घर पे एक चलती बोलती लक्ष्मी पानी भरती है, अन्नपूर्णा बनकर भोजन बनाती है, ग्रह लक्ष्मी बनकर कुटुंब को संभालती है, सरस्वती बनकर बच्चों को शिक्षा देती है, दुर्गा बनकर संकटों का सामना भी वो करती है, कालिका और चंडी बनकर घर की रक्षा करती है। उसकी पूजा ना सही मगर स्त्री होने का सम्मान उसे जरूर दीजिए। देवियों को सिर्फ मंदिर में ही नहीं अपने दिल में भी बसाइए। मूर्ति के साथ साथ आपके घर में रहने वाली स्त्रियों का भी आदर करिए। इसी में हमारी संस्कृति है, यही हमारे संस्कार है, इसे कभी मत भूलिए। क्योंकि जब औरतें प्रगति करती हैं तो उसके साथ पूरा कुटुंब प्रगति करता है, आपका पूरा परिवार प्रगति करता है। इसीलिए ये जरूरी है कि घर की जो स्त्रियां हैं वो अनस्टॉपेबल हों, उन्हें किसी भी चीज से रोका ना जाए और उनकी मन की जो भी इच्छाएं हैं, चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे किसी जगह काम करने की हो या अपना खुद का बिजनेस खोलने की हो, उनको ना पूरा सपोर्ट देना परिवार वालों के हाथ में होता है। क्योंकि अगर आज आप उनको सपोर्ट करोगे, कल के दिन आपके बच्चे जो हैं वो उसी माँ को देखकर सीख करके बड़े होंगे कि वो कितनी सशक्त थी, और वो बच्चे अपनी माँ की ही तरह और आगे बढ़ना चाहेंगे और बेहतर बनना चाहेंगे। इसीलिए स्त्रियों का सम्मान जरूरी है सभी के लिए। आप सुन रहे हैं प्रियंका समीर तिवारी को मेरे YouTube चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड अंटिल वी मीट अगेन, बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।